गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव के पक्ष में आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव चिरंजीव राव ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए चिरंजीव राव ने कैप्टन अजय यादव के दुर्विपक्षी व बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर प्रहार किया और कहा कि वे अगर अपने नाम पर वोट मांगे तो उनकी जमानत तक नहीं बच पाएगी। चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम के ऊपर अभी है और जहाँ भी हम जा रहे हैं भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है और लोग साथ जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों में भी आपने देखा होगा कि बावल के अंदर डॉक्टर एमएल रंगा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, कल भी एक हमारे प्रेजेंट विधायक नसीम जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास जो 3 बार से विधायक रहे उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। तो इस तरह से लोगों का कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ रहा है, रोज़ लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों में भी आपको खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़े कुछ लोग जो चेहरे हैं वो भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो हमारी सोच यही है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि बावल 84 के अंदर उस पूरी पंचायत ने बहिष्कार किया राव इंद्रजीत जी का। 72 गाँव जो मानेसर वाले हैं वहाँ भी उनका विरोध है, तो पूरे इलाके के अंदर उनका विरोध हो रहा है। कल उनका कार्यक्रम था डूंडाहेड़ा के अंदर, वहाँ भी लोगों ने उनसे सवाल किए, वो झुलझुला गए सवालों से। तो इससे पता चलता है कि उनकी झुलझुलाहट साफ नज़र आती है, हार उनको नज़र आ रही है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत करेंगे और आगे ऊपर वाला देखेगा। क्या लगता है इस मुकाबले में क्या निकल पाएगी कांग्रेस? देखिए, आज तो मुकाबले में हमें लग रहा है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, साथ मिल रहा है, हम सीट आराम से निकालेंगे और ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, जनता का आशीर्वाद हो, तो कुछ भी हो सकता है। 4 तारीख की हमें वैसे तो अभी तक डेट मिली है, पर उसके अंदर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ प्रोग्राम क्या होगा। हो सकता है डेट आगे पीछे हो जाए, तो वो आज फाइनलाइज होगी डेट। कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें, कौन कौन नेता शिरकत करेंगे? राहुल जी आएंगे, तो उसमें सभी आएंगे जी, जितने भी लीडर हैं। देखिए, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का ही है। मतलब अगर आप कहें कि मैं कहूँ जेजेपी का है या एनएलडी से है, फिर वो तो हास्यास्पद हो जाएगा। पर हमारा मुकाबला सीधा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का है और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है, क्योंकि लोग आप देखिए ना, हर जगह उनसे सवाल कर रहे हैं। पिछले दिनों रामगढ़ के अंदर उनका कार्यक्रम हुआ, वहाँ उनकी बेटी से लोगों ने सवाल किया। बूढ़ा डैम के अंदर उन्होंने खुद ये बात मानी कि भाई मेरी गलती की सज़ा मोदी को मत देना। तो साफ पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी गलतियां मान रहे हैं। वो जिस तरह राव देखिए, अगर वो अपने नाम पे ही अगर वोट मांगेंगे तो उनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी। तो मोदी की वजह से उनको जो वोट आ रही है वो आ रही है। आप लोगों से सवाल कीजिए ना, सवाल आप लोगों से करिए। लोग ये बात कह रहे हैं जी, जो दे भी रहे हैं उनको वोट, वो कह रहे हैं सिर्फ हम मोदी की वजह से दे रहे हैं, इंद्रजीत की कोई वोट नहीं है।